बैक टू माई चैनल रूप्स लाइफ। तो हमने हमारे लिविंग रूम के लिए नया टीवी लिया है जो कि है एलजी का 65 इंचेस का। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के ऊपर है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप इस टीवी की जो पूरी डिटेल्स हैं वो देख सकते हो। तो हमें क्रोमा पर अभी कुछ ऑफर्स चल रहे थे तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ये टीवी मिल गया। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस प्रोडक्ट का, आप चाहें तो वहां से जाके इसका प्राइस जो है वो चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा टीवी यूनिट और इस पे हमारा टीवी नहीं लगा हुआ था, पहले हमने यहाँ पे छोटा टीवी लगा रखा था। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जब ये नया नया हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, तो हमें लगा था कि जो 15 इंचिस का टीवी होता है वो सफिशेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे होल्स भी देख सकते हो। कुछ टाइम के लिए हमने हमारा जो टीवी है यहाँ पे लगाया, करीबन एक दो महीने तो यहाँ पर लगाया था टीवी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा लग रहा था क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा है ना हमारा लिविंग रूम, और सीटिंग जो है वो करीबन 15 फिट की दूरी पर है, तो उस हिसाब से टीवी जो है ना वो छोटा दिख रहा था हम लोग को। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का टीवी लेके आएंगे। तो इस बार हमने जो टीवी लिया है वो है एलजी का 65 इंचेस का टीवी। ये टीवी जो है ना सेंटर में कितना आएगा वो भी पूरा देख लो मेजरमेंट। हम लोग इधर बैठ कर देखेंगे यहाँ से। इसका कितना है लंबाई टीवी का? टीवी का 62 इंचेस है लेंथ में लंबा। फिर 7 रहता 28 है ना। तो हाफ सेंटर कितना से शुरू होता है? यहां से लेकर कहां तक आता है? यहां तक आ जाएगा। ये ज्यादा उधर तो नहीं हो गया? ठीक है, देखो एक बार थोड़े अंदर तू देख। दोनों साइड में इक्वल है ना? हां दोनों साइड इक्वल है। वो ज्यादा और हाइट में कितना हो जाएगा? हाइट में यहां से शुरू करो बोल के बोल रहे हैं। हां ये कितने इंचेस का है? 6 इंचेस है, 6.5 का है। अपना टीवी का कितना है? राजा का 32.5 रहता। हाँ वो पैनल कवर हो जाएगा ना? हाँ कवर हो जाएगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा लग रहा है मेरे को, दरवाजे की तरफ ज्यादा हो गया क्या? लेफ्ट लेना है। टीवी इंस्टॉलेशन के लिए जो पर्सन आए थे वो अपने साथ इस तरह का एक स्टैंड लेके आए थे। ये एक वॉल माउंट स्टैंड है जो कि फ्लेक्सिबल है, आप टीवी को साइड में भी कर सकते हो, आगे पीछे करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टीवी को वॉल माउंट नहीं कराना है, आपको किसी सरफेस पे रखना है, तो इस तरह का जो स्टैंड है ये टीवी के बॉक्स के अंदर ही आता है, तो आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो पूरा मेजरमेंट्स वगैरह लेने के बाद अब यहाँ पर जो है टीवी को वॉल माउंट करने के लिए जो है मार्किंग हो रही है। इसके साथ यही स्टैंड आता है या अलग है? यही कंपनी से है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में से रोटेट कर सकते हैं ना? लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक।
बार चेक कर लीजिए आप बताओ ना डेमो तो दे दो इसको। हाँ वही बताओ। अगर पावर ऑन करे तो सेटअप बॉक्स आए तो डायरेक्ट सेटअप बॉक्स ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो होम बटन प्रेस करे तो एप्लीकेशंस मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न सब मिल जाएगा। हाँ। और एक्स्ट्रा डाउनलोड करना बोले तो ऐप्स में जाकर डाउनलोड कर ले सकते, ठीक है ना। अगर इनपुट बटन रहता है जो भी पीछे का कनेक्शन है तो अगर इनपुट में जाना, इनपुट में जाके लाइट टीवी है ना, लाइट टीवी का बाजू का और एक बॉक्स ऐड हो जाता है, HDMI तो HDMI, USB तो USB, ऐसा ऐड हो जाएगा उसका। तो ऊपर जाके ओके करे तो ऑटोमेटिक बता देता ऑप्शन। डायरेक्ट होम बटन प्रेस करे तो एप्लीकेशन है ना, इधर यूट्यूब बोला बोले तो यूट्यूब में जाके क्लिक करो, इधर बीच का बटन ओके का बटन, इधर वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं, इधर रहता मैडम। हाँ जी, तो ये है हमारे टीवी का रिमोट। तो यहाँ पर हमें पहले ऊपर ऑन ऑफ का जो स्विच होता है वो मिल जाता है बटन, ये वाला, और उसके बाद में नंबर्स हैं। ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है, यहाँ पे चैनल कंट्रोल है। तो वॉइस के लिए हमें ये मिल जाता है, ये हमारा होम बटन का है, और इसलिए अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, पता नहीं किस चीज़ का है। लेकिन ये जो है, ये सेंटर वाला जो ये माउस है, जैसे हमारा माउस होता है ना हम सिस्टम के साथ लगाते हैं, उसी तरह से इसे ऑपरेट करने के लिए दिया गया है एक बटन। उसके अलावा इसके जो बटन्स हैं साइड वाले, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक बैक बटन है, ये सेटिंग्स है, और यहाँ पर भी कुछ और शॉर्टकट्स दिए गए हैं, और ये नीचे शॉर्टकट्स हैं। तो चलिए अब हम टीवी एक बार जो है वो चला के देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा टीवी सेटअप हो गया पूरा, और अभी इसका जो माउस है ये चला के देखते हैं। तो यस, तो ये चल रहा है अभी, और इसे आप साइड में ऐसे भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसे हम लोग माउस यूज़ करते हैं ना उसके साथ, लैपटॉप या PC के साथ, तो कुछ उसी तरह से काम कर रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है इसका सेटिंग का बटन, तो ये बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर पूरी हमारी जो सेटिंग्स है ये आ जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चर मोड सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, तो आपको दूर से दिखा देती हूँ ताकि डिफरेंस भी समझ में आएगा। तो ये गेम मोड है, ओके, तो ये फिल्म मेकर है, एक्सपर्ट, ओके। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो मोड्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट नीचे जो है साउंड से कनेक्टेड ऑप्शन है वो है यहाँ पर, तो सेम तो अगर आपको ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के साथ वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ, मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर डिवाइस लिस्ट आ जाएगी जो आपने कनेक्ट किया हुआ होगा या करना होगा उसका। तो जैसे यहाँ पर हमने जो है सोनी का अपना म्यूजिक सिस्टम जो है वो ब्लूटूथ के साथ रखा हुआ है, तो इसीलिए ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो ये टीवी, ब्लूटूथ, मोबाइल डिवाइस, उसके बाद में यहाँ पर ये गेम का ऑप्टिमाइजर है, ये कभी यूज़ नहीं किया मैंने, स्लीप टाइम ओवर, ऑल सेटिंग्स। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है सारे बटन्स दिए गए हैं शॉर्टकट्स के लिए भी। तो पहले तो मेन मेन्यू में अगर हमें जाना है तो उसके लिए हमारे पास ये होम बटन है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो सारा मेन मेन्यू जो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सजेशंस आते रहते हैं, और यहाँ सबसे ऊपर आप अपना जो सिटी का टेम्परेचर वगैरह देखना चाहते हो तो सेट कर सकते हो, तो मैंने ये फिलहाल किया हुआ है, यहाँ पर ये आ रहा है जी। तो इसके साथ यहाँ पर हमने अपना टाटा स्काई का बॉक्स एक कनेक्ट कर रखा है, तो वो वहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर हमारे पास वेब ब्राउजिंग का फीचर जो है वो भी मिल जाता है। तो चलिए इसमें एक बार जो है हम गूगल सर्च भी खोल के देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और ये हमारा ब्राउजिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा, राइट। तो इसमें अगर हमको सर्च करना है तो पहले मैंने माउस के साथ जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया है ताकि यहाँ पर टाइप का ऑप्शन खुल जाए। तो लीजिए, हाँ, तो ये तो अच्छा काम कर रहा है,
और क्योंकि इसके अंदर ये माउस का फीचर है तो बहुत इजीली जो पेज चल रहा है, राइट ओके। तो अब बारी है इन बटन्स को चेक करने की, ये जो शॉर्टकट बटन्स हैं। तो मैं यहाँ पर डिज्नी को सिलेक्ट करती हूँ, देखते हैं डिज्नी खुल गया, राइट। बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है इसका। जी तो इसके साथ ना हमें थिंक यू ऐप जो है वो भी हम लोग अपने फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके हम उसके साथ हम अपना पूरा जो फ़ोन है उसे कनेक्ट कर सकते यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।